हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। आज के जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड अनदर वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और हम साथ साथ बात करेंगे इसमें करंट कैसे फ्लो होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिफाइन करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ये वो सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर सेमीकंडक्टर हो। क्या क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है और वी कैन से इट्स अ प्योर सेमीकंडक्टर व्हिच इज फ्री ऑफ एवरी इम्प्योरिटी। एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? इज अ प्योर सेमीकंडक्टर व्हिच इज फ्री ऑफ एवरी इंप्योरिटी। प्योर हो, फ्री हो, इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, या आप कह सकते हो जो भी टेट्रावेलेंट एलिमेंट होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, या टेट्रावेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 4 हो। एग्जांपल हमने लिया सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हम पहले सिलिकॉन देखेंगे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन अगर हम देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, या ऐसे लिखेंगे 2 8 4। ओके, जर्मेनियम की देखेंगे हम, एटॉमिक नंबर 32 होता है, 2 8 18 4। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड, कंडक्टिविटी इज पुअर। कंडक्टिविटी इज पुअर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो पुअर होती है। हम एक्सप्लेन करेंगे कैसी पुअर होती है। हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर लेंगे। हमने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। ओके, इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इस तरह ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, ऐसे इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। जब बहुत सारे एटम्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड ही बनेगा। बनाया कंपाउंड, कंपाउंड में ही तो करंट पास करवाते हैं हम। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? शेयरिंग, या और वी कैन से म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम देखेंगे इसमें करंट कैसे फ्लो होती है।
इधर बनाऊंगा सिलिकॉन, छोटा सा सिलिकॉन, एक दो तीन चार, ओके। अब करंट कैसे फ्लो होती है एट टेम्परेचर? जीरो केल्विन। इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो पूरी तरह से जुड़े हुए होंगे तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ही तो करंट पास होती है। इसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट कहां से पास होगी? तो हम बोलेंगे इट बिहेव्स एज इंसुलेटर है टेम्परेचर जीरो केल्विन। ओके फाइन। हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एट रूम टेम्परेचर। तो क्या होगा रूम टेम्परेचर पे? हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो इसमें बॉन्ड्स है कोवलेंट बॉन्ड्स है, कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे इसमें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ही तो करंट पास होती है। ओके हम सप्लाई देंगे यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ओके वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें करंट मिलेगी इससे। क्या मिलेगी? करंट मिलेगी। ओके हम जब करंट फ्लो होगी हम क्या बोलेंगे? इट बिहेव्स एज कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। ओके ओके फाइन। लास्ट पॉइंट इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स is always equal. हम बोलेंगे एन एच एन ई इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आर। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट होल्स इज ऑलवेज इक्वल। एन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ density of holes, ni is equal to number of density of electrons and holes in semiconductor. okay to main aapko bolunga kaise hota hai number of free electrons and holes, ye kaise equal hote hai. okay hum ek band banayenge, band diagram. okay for silicon एनर्जी गैप होती है, वो होती है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ओके हियर इज कनेक्शन बैंड, सॉरी हियर इज वैलेंस बैंड, हियर इज कनेक्शन बैंड, ओके सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 1, 2, 3, 4. ओके व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रीच फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वो यहां पे फ्लो होगी ऐसे 2, 3, 4. तो यहां पे क्या रहेंगे? होल्स 4। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हुए कंडक्शन बैंड में, इसलिए हम बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड इज ऑलवेज इक्वल। ओके तो नेक्स्ट